हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग आ गए हैं लखनऊ में और ये है बड़ा इमामबाड़ा, जिसको आप भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं, भूल भुलैया के नाम से मशहूर है। और इसको बनवाया था नवाब वाजिद अली शाह ने। आप जान रहे हैं कि लखनऊ नवाबों की नगरी है और भूल भुलैया इसकी जो बनावट है, इसका जो राज है इसके अंदर, कि आदमी जाता है तो भूल जाता है, यानी कि उसमें और ये इमारत आप देखिए, ये इतनी पुरानी है, तभी की बनी हुई है। ये है भूल भुलैया का मेन गेट और हम लोग इसके अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है, काफ़ी इसमें फूल वगैरह लगाए गए हैं साइड साइड में और काफ़ी ग्रैंड है, दिख रहा है ये काफ़ी भव्य है। और लखनऊ नवाबों की नगरी है, नवाबों के शौक बड़े थे और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने में उनका नाम था और चले भी ये देखिए भाई साहब, नवाबों के शौक कितना। इसका छत देखो, पहले आप इसका छत देखो, भूल भुलैया के एकदम अंदर हम आ गए हैं। इसका आप छत देखो, पूरा कर्व सेफ है, इतना ऊंचा, इतनी ऊंची ऊंची, इसमें देखो ये सीकड़ और ये सब लगा के झूमर लटकाई गई हैं, तगड़ी तगड़ी झूमर हैं। और इनका ये ताजिया वगैरह कुछ रखा गया है और ये हिस्टोरिकल पर्पज से हम लोग यहाँ पे आज घूमने आए हैं। ओ भाई साहब ये देखो, भाई साहब ये वाह, इसमें देख रहे हो ये जगह जगह पे कुर्सियां लगी हैं ऊपर, वहां से बैठ के देखने के लिए कुछ बना है। No, no, no.
तो ये देखिए, हम लोग एकदम इमामबाड़ा के अंदर हैं, इसके परिसर के अंदर, और इसके बारे में खास बात कही जाती है कि इसकी दीवारें जो है ना, ऐसी बनाई गई थी कि अगर कोई व्यक्ति उस समय का, या आप आज भी ये दावा किया जाता है कि ऐसी दीवारें थी कि उसमें से अगर एक स्थान से बोला जाए तो दूसरे छोर पर सुना जा सकता है, ऐसा कुछ दावा किया गया। और हम लोगों ने एक जगह दो जगह ट्राई किया, हालांकि उतना क्लियर हमको सुनाई नहीं दिया, बट ऐसा दावा किया जाता था कि इनकी जो दीवारें थी खोखली थी, या उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि अगर तब के सैनिक एक दूसरे से कह सकते हैं बातचीत करना चाहें, या राजा किसी से बातचीत करना चाहें, कोई मैसेज भेजना चाहें, तो वो भेज सकते हैं इन दीवारों के माध्यम से कि एक स्थान से अगर आप बोलेंगे तो दूसरी जगह आपको सुनाई देगी। और ये हम पहुंच चुके हैं एकदम इमामबाड़ा के ऊपर, और ये उसके अंदर सीढ़ियों से हम लोग पहुंचे, बहुत खड़ी सीढ़ियां हैं, चढ़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि जो लोग थोड़ा सा एजेड हैं या ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ होती है, बाकी जो लौंडे हैं तो चढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लड़के हैं जो कम उम्र के। तो ये छत के ऊपर हम लोग आ गए हैं, और छत से जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है, और बहुत दूर तक खुला एकदम चारों तरफ से दिखता है, और पूरी बिल्डिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, दूर तक शहर भी दिख जाएगा यहाँ से आपको, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से देखिए आप, ब्यूटीफुल। और ये देखिए, जिन सीढ़ियों का मैं जिक्र कर रहा था, बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे मैं जा रहा हूँ इन सीढ़ियों के माध्यम से, ये देखिए। और बहुत गर्मी थी जिस समय हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, एकदम दोपहर का वक्त था, और बहुत चिलचिलाती धूप, और एकदम पूरी तरीके से जैसे सफोकेशन टाइप हो रहा था। और ऐसे वक्त में मैं कहूँगा आप यहाँ पर ना आएँ घूमने, आप या तो बहुत सुबह आएँ और या तो शाम, एकदम शाम को आएँ, और गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल ना आएँ, मैं ये कहूँगा आपसे, क्योंकि यहाँ की धूप और फिर पत्थरों से जो गर्मी निकलती है ना, बहुत ज़्यादा वो सफोकेटिंग होती है। और पानी वगैरह लेके आइए, अगर इस मौसम में कोई आ रहा है, मैं तो कहूँगा इस मौसम में बिल्कुल ही ना आए। सांसों में बड़ी बेकरारी, आँखों में कहीं कभी लग जाए दिल तो, कहीं फिर दिल ना लगे अपना, दिल में जरा थाम लो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम लोगों ने फाइनली ये इमामबाड़ा देख लिया पूरी अच्छी तरीके से, और बहुत सुंदर था, अच्छा था, और काफ़ी भव्य था, बड़ा था। और मैं पहली बार आया था, बहुत बार लखनऊ गया बट देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब की बार देख ही लिया जाए, सुंदर था, और काफ़ी जिसको कह सकते हैं एक रॉयल फीलिंग। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि गर्मी के मौसम में ना आए। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।